Assalamualaikum. We are going to Nana's house. Oh friends, juice here. Assalamualaikum, I'm Ayman. How are you? कहाँ? अजी कपड़े पहन के? अजी? Hey! बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Assalamualaikum. Welcome back to my channel. तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, सेहतमंद होंगे. तो मैं निकली थी मम्मी की तरफ और ये पूरा वीडियो वहाँ का ही है रिलेटेड. और यहाँ अब बना रहे हैं बिरयानी, मटन की बिरयानी बना रहे हैं. तो उसमें मिला है नमक, हरी मिर्च का पेस्ट, अदरक लहसुन, और उसको थोड़ा सा गलने के लिए चढ़ा दिया था हमने. और दूसरी तरफ अदहन रख दिया था हरा मसाले के साथ, कोतमीर, पुदीना और हरी मिर्चियों के साथ. और ये बासमती राइस 1 kg, और ये गोश्त गलने के बाद तली हुई प्याज का तेल ऐड किया है 1 cup जितना, और दही 250 grams. एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बता सकती क्योंकि पूरी बिरयानी मम्मी ने बनाई है, मैंने सिर्फ शूट किया है आज. मैरिनेट करके आपके पास अगर टाइम हो तो आधा 1 घंटे के लिए आप रख सकती हैं, या फिर ओवरनाइट इस स्टेज पे रख सकती हैं. चावल को बॉईल किया 80-90%. चावल, बीच में गोश्त की यखनी डाली और फिर चावल डाले. और यहाँ कलर ऐड किया है. मम्मी हमेशा दम देते वक्त अल्लाह लिखती हैं, पर थोड़ा सा कलर कम पड़ गया था. और फिर से तली हुई प्याज और घी. ये था लंच. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी थी माशाल्लाह. और ये दही की चटनी या फिर रायता कह लें. प्याज, हरी मिर्च को क्रश किया है, अनार और खीरे के साथ मिक्स किया, नमक के साथ खीरा और अनार, हरी मिर्ची और प्याज को एक साथ मिक्स करने के बाद दही ऐड किया. हम लोगों ने बिरयानी एंजॉय की. लंच करने के बाद ये गार्डन एरिया में आ गए थे. ये बाबा ने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं, घर के पीछे का एरिया है ये. तो आज सोचा कि एलोवेरा का हेयर पैक बनाएं. सिंपल सा हेयर पैक है, कोई भी बना सकते हैं. अच्छे से धो लिया, पर ये जो येलो पार्ट था उसको थोड़ा सा क्लीन कर ले. और ये कुछ धब्बा पहले से ही पत्ते में है नेचुरली. एलोवेरा के बहुत सारे फ़ायदे हैं हेयर, स्किन, और लोग ऐसे कच्चा खाते भी हैं एम्प्टी स्टमक में. और उसको अच्छे से क्लीन करने के बाद मैंने सिंपली इसको कोकोनट ऑयल में पीस लिया था. आप बहुत सारे तरीक़ों से इसको अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे हर्बल पाउडर से हेयर पैक्स बना सकते हैं, DIY स्किन केयर कर सकते हैं, हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, हेयर्स के लिए.
और यहाँ मेरी मदद कर रही हैं एमन। और ये बहुत सारा अच्छी खासी क्वांटिटी में बन गया था और बहुत लिक्विडी टाइप था। आप इसमें एसेंशियल ऑयल्स का भी यूज़ कर सकती हैं। और पहले इन्हें अप्लाई किया, उसके बाद एमन को अप्लाई किया, मदीहा को अप्लाई किया, बड़ी बेटी जैनब को, और मैंने ख़ुद भी लगाया था, मम्मी बाबा और भाई को भी अप्लाई किया। इधर देखो, इधर देखो जी। हाँ सर। आधे घंटे के करीब रखने के बाद वॉश किया था, सब लोगों ने हेयर वॉश किया, बच्चों को भी मैंने नहला दिया था। और मदीहा को हेड मसाज बहुत पसंद है, इसलिए लगे हाथ कर दे रही हूँ। अब ये रहा इवनिंग स्नैक, और इवनिंग स्नैक की समझिए खाने पीने की लास्ट वीडियो थी, मैंने वीडियो नहीं बनाई। और अगले दिन हम लोग गए थे शॉपिंग पे, बच्चों के कुछ डेली वेयर्स लेने थे, और मम्मी ने शॉपिंग करवाई बच्चों की एज ईदी। तो आप लोग देखिए, एंजॉय करिए, दुआ में याद रखिए। अगर से वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।